तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल की मोस्ट डिमांडिंग कैमरा टेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग कैमरा टेस्ट करने वाले हैं Redmi Note 12 Pro Plus और iPhone 11 के बीच में, जिसके अंदर दोस्तों मैं अलग अलग कंडीशन में इन दोनों ही फोन से काफी सारे फोटोज क्लिक करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा, स्लो मो बनाऊंगा, मतलब कि डिटेल में मैं इन दोनों ही फोन की कैमरा को टेस्ट करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं टेस्टिंग टेक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अपने टेस्ट को स्टार्ट करने के पहले आप लोग इन दोनों फोन्स के कैमरा की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं Redmi Note 12 Pro Plus और iPhone 11 के सेल्फी कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर। तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको इन दोनों ही फोन्स के सेल्फी कैमरा में देखने के लिए मिलती है। बाकी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन दोनों फोन्स के इंटरनल माइक्स रिकॉर्ड हो रहेगा, जैसे कि अभी तक आप जो ऑडियो सुन रहे थे वो अपने iPhone 11 के इंटरनल माइक्स रिकॉर्ड हो रहा था, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने Redmi Note 12 Pro Plus के इंटरनल माइक्स रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा चल के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको इन दोनों ही फोन्स की स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाए, और मैं थोड़ा फ़ोन कैसे घुमा भी दूंगा इधर उधर, तो आप लोग डायनेमिक रेंज का आइडिया भी लगा ही पाएंगे। तो अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में चल रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन आपको इन दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा में देखने के लिए मिलती है। बाकी मैं आपको ऐसे घुमा के भी दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग आइडिया लगा पाएँ कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर तरीके से डायनेमिक रेंज को एडजस्ट कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको इन दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा में देखने के लिए मिलती है। आपको इन दोनों फोन्स में से कौन से फ़ोन की वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम Redmi Note 12 Pro Plus और iPhone 11 के मेन कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर। तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको इन दोनों फोन्स के मेन कैमरा में देखने के लिए मिलती है। बाकी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन्हीं दोनों फोन्स के इंटरनल माइक्स रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे कि अभी तक आप जो ऑडियो सुन रहे थे वो अपने iPhone 11 के इंटरनल माइक्स रिकॉर्ड हो रहा था, और अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो अपने Redmi Note 12 Pro Plus के इंटरनल माइक्स रिकॉर्ड हो रहा। बाकी अब मैं आपको थोड़ा चल के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको इन दोनों फोन्स के स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाए। अभी हम लोग बिल्कुल नॉर्मल सी स्पीड में चल रहे हैं, तो आपको जिस तरह की स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलती है दोनों ही फोन्स में, दोनों ही फोन्स में दोस्तों हमको OIS देखने के लिए मिलता है स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको दोनों ही फोन्स में से कौन से फ़ोन की वीडियो ज़्यादा स्टेबल लगी है। बाकी मैं आपको घूम के भी दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग आइडिया लगा सकें कि कौन सा फोन डायनेमिक रेंज को ज़्यादा बेटर तरीके से एडजस्ट कर रहा है। तो चलिए अपने अल्ट्रा वाइड कैमरे की वीडियो को देख लेते हैं। और ये वाली वीडियो शूट कर रहे हैं हम इन दोनों ही फोन्स की अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ में। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में आपको जिस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी इन दोनों ही फोन से, ये वाली वीडियो हम लोग 1080p 30fps पे शूट कर रहे हैं दोनों ही फोन्स में, और आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इन दोनों फोन्स के इंटरनल माइक्स रिकॉर्ड हो रहा है, जिसका आइडिया आप लोगों को अभी तक तो लगी गया होगा कि कौन सा फोन ज़्यादा बेटर तरीके से ऑडियो को कैप्चर करता है। बाकी मैं अल्ट्रा वाइड कैमरे में आपको चल के दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग और अच्छे से आइडिया लगा पाएँ कि अल्ट्रा वाइड कैमरे में वीडियो को कौन ज़्यादा अच्छी लेता है। और मैं आपको थोड़ा घूम के भी दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग डायनेमिक रेंज का भी आइडिया लगा पाएँ। तो दोस्तों ओवरऑल आपको वीडियो के मामले में कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा है आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चलिए अब इन तीनों ही फोन्स के नाइट मोड के वीडियोस को सैंपल और देख लेते हैं। और दोस्तों ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं इन दोनों ही फोन्स के सेल्फी कैमरा के साथ में लो लाइट में 1080p 30fps के ऊपर। तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी आपको इन दोनों ही फोन्स के सेल्फी कैमरा में देखने के लिए मिलेगी लो लाइट में। अभी तो मैं थोड़े ऐसे रोशनी में खड़ा हुआ हूँ, तो आपको थोड़ी मेरी शक्ल सही से दिख रही होगी। अब मैं आपको प्रॉपर थोड़ा ऐसे लो लाइट में जाकर दिखा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इन दोनों फोन्स की लो लाइट कैपेबिलिटी का अच्छे से आइडिया लगा पाएँ। तो अब काइंड ऑफ मैं काफ़ी ज़्यादा लो लाइट में आ गया हूँ, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं Redmi Note 12 Pro Plus और iPhone 11 के मेन कैमरा के साथ में 1080p 30fps के ऊपर लो लाइट में। तो लो लाइट के अंदर आपको इन दोनों फोन्स के मेन कैमरा में कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। अभी हम लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हुए हैं और शाम का टाइम हो गया है, मतलब कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो मैं आपको थोड़े और अंधेरे में जाके दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग इन दोनों फोन्स के लो लाइट कैपेबिलिटी का अच्छे से आइडिया लगा सकें कौन सा फोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है लो लाइट में। तो अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा लो लाइट में आ चुके हैं जिससे कि आप लोग आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सा फोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। We'll be right back.
Thank you.